हेलो फ्रेंड, खानानामा में आपका स्वागत है। आज हम घर पर ही बिना अंडे का मार्बल केक बनाना आपको बताएंगे। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। हम इसको ओवन में बनाएंगे। आप इसको बिना ओवन का भी बना सकते हैं। तो चलिए हम इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मार्बल केक बनाने के लिए हमने एक कप मैदा लिया है, हाफ कप रूम टेम्परेचर का हमने बटर लिया है, हाफ कप दही और एक कप पाउडर शुगर लिया है, बेकिंग पाउडर और ये तीन कलर जिसमें से रेड, ग्रीन और येल्लो कलर है, ये तीन कलर हमने लिया है, वनीला एसेंस और हाफ कप दूध। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी। अब सबसे पहले हम एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल लेंगे, इसमें हम बटर डाल देंगे। याद है ये रूम टेम्परेचर का ही बटर होनी चाहिए। और अब हम इसमें पाउडर शुगर को डाल देंगे। और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसको हम तब तक चलाएंगे जब तक ये बिल्कुल इसका क्रीमी टेक्सचर ना हो जाए और ये वाइट हो जाए। इसको कम से कम 4-5 मिनट लग जाता है फेंकते हुए। अब ये हमारा बैटर हो गया है। अब हम इसमें दही को डाल देंगे। आप अगर अंडा खाते हैं तो ये अंडे इस समय आप अंडे डाल सकते हैं। इसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हाफ टी स्पून हम वनीला एसेंस डाल देंगे। फिर से हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम एक छन्नी लेंगे, इस पे हम मैदा डालेंगे। हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, हम बेकिंग सोडा नहीं डाल रहे हैं। 1 पिंच कलर डालेंगे, येलो कलर। और अब हम इसे अच्छी तरीके से छान लेंगे। छानना बहुत ही जरूरी है। अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट को एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी दूध डालेंगे, ये 3 टेबल स्पून अभी हमने दूध डाला है। इसको बहुत पतला नहीं बनाना है और न बहुत ही गाढ़ा बनाना है। अब मैंने इस बैटर को 3 जगह निकाल लिया है। अब हम इसमें एक में रेड कलर मिलाएंगे, ये हमने रेड कलर लिया है। इसमें थोड़ा सा हम दूध मिलाएंगे और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। और इस बैटर में हम मिला देंगे। इस तरीके से हमारा ये बैटर रेड कलर का हो गया। अब हम ये ग्रीन कलर का लिए, इसमें भी हम थोड़ा सा बस दूध मिलाएंगे और इसको भी हम अच्छी तरीके से इस तरीके से मिक्स करके हम दूसरे वाले बैटर में डाल देंगे। अब हमें आयल से ग्रीस किया हुआ मोल्ड लेंगे। इस पे हमने बटर पेपर को बिछा रखा है, इस पे भी हमने आयल को लगा दिया है। अब हम सबसे पहले क्रीमी टेक्सचर वाले बैटर को डालेंगे। इस तरीके से हम इसको बिल्कुल हम सेंटर में डालेंगे। और अब हम ये रेड कलर वाला हम डालेंगे। अब इसी तरीके से हम ये ग्रीन कलर वाला डाल देंगे।
इसी तरीके से हम बारी बारी से सारे कलर को हम स्प्रेड कर लेंगे। अब हम एक टूथपिक की सहायता से इसको इस तरीके से पूरा हम मिक्स कर देंगे। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से इसको टैप करें। अंदर का एयर बबल अच्छी तरीके से निकल जाए। और अब हम इसको 180 डिग्री सेल्सियस पे 25 से 30 मिनट तक हम बेक करेंगे। अब मैंने एक केक को निकाल लिया है और इसको अब हम थोड़ी देर ठंडा करेंगे। इसके बाद हम इसको डीमोल्ड करेंगे। अब हमारा केक बिल्कुल ये ठंडा हो गया है। अब हम इसको डीमोल्ड कर लेंगे, इस तरीके से लेंगे और उल्टा करके हम इस तरीके से थोड़ा सा हम छुपाएंगे। और अब हम इसका बटर पेपर धीरे धीरे निकाल देंगे। हमारा मार्बल केक बनकर के बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसको काट करके दिखाते हैं। अब मैंने केक को कट कर लिया है। ये देखिए हमारा केक कितना सॉफ्ट बना है और कितना अच्छा इसमें कलर्स आ रहे हैं और बहुत ही सॉफ्ट बना है हमारा केक। आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।